हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बिंदु और ये है मेरा चैनल एक्सप्लोर विद बिंदु। आज मैं अपनी सिस्टर के साथ डॉक्टर मुकेश जैन वर्धमान हॉस्पिटल आई हूँ, जो कि मुजफ्फरनगर में जानसठ रोड पर है। ये ऑर्थोपेडिक और गायनेकोलॉजिस्ट, यहाँ पर डॉक्टर मुकेश जैन और उनके बेटे अनुभव जैन, वो तो ऑर्थोपेडिक्स हैं, और डॉक्टर मुकेश जैन जी की वाइफ नूतन जैन और अनुभव जैन जी की वाइफ वंदना जैन लेडी डॉक्टर हैं। यहाँ पर IVF से भी बेबी किए जाते हैं। ये एशिया का नंबर वन हॉस्पिटल है। यहाँ पर दूर दूर से लोग इलाज के लिए आते हैं। यह है मेरी सिस्टर, जिसका अपॉइंटमेंट डॉक्टर अनुभव जैन से है। इसकी डिस्क, बैकबोन के डिस्क L4-L5 में मैं आपको प्रॉब्लम है, अंदर से स्किनस दबी हुई है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। 15 डेज से हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, काफ़ी रिलीफ है। अभी सेकेंड अपॉइंटमेंट है जिसके लिए हम आए हैं, और ये बाहर से कुछ ऐसा था हॉस्पिटल। ये वेटिंग रूम है, यहाँ पर पहले अपॉइंटमेंट लिया जाता है। सामने रिसेप्शन पर, उसके बाद अपने नंबर के लिए वेट किया जाता है। अपना अपॉइंटमेंट लेने के बाद हम लोग कैफेटेरिया में चले गए, क्योंकि हमारे नंबर में 2 घंटे थे लगभग। यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्नैक्स खाने में, थाली, डोसा, सब चीज़ मिलती है, और थाली भी 180 रुपीज़ की है, जिसमें कि काफ़ी कुछ सामान है, 2 लोग आराम से खा सकते हैं। 4 चपाती, राइस, मीठा, पनीर की सब्जी, रायता, सलाद, सब कुछ। हमने यहाँ पर चाय और सैंडविच लिया। ये वॉशरूम भी बहुत नीट क्लीन थे, बहुत ही साफ़ सुथरा हॉस्पिटल है, जैसे कि दिल्ली या अदर कंट्रीज़ में होते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे सिटी मुजफ्फरनगर में डॉक्टर मुकेश जैन जी का हॉस्पिटल है, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर से लोग हड्डियों का इलाज कराने आते हैं, क्योंकि जैसा इलाज हड्डियों का मुकेश जैन जी करते हैं, ऐसा इलाज किसी भी सिटी में अवेलेबल नहीं है। ये बारीक से बारीक टूटी हुई हड्डी को भी जोड़ देते हैं। यहाँ पर बिगड़े हुए जो केस ऐसे हो जाते हैं कि और अदर सिटीज़ में आपने अपना इलाज कराया, ऑपरेशन कराया अपनी हड्डी का, चाहे वो बैकबोन हो, घुटने की हो, या कोई सी भी हो, और वो ठीक तरह से नहीं जुड़ पाती, तो वो निराश होकर फिर यहाँ पर आते हैं और ये उनको बिल्कुल ओके करके भेजते हैं। ये वहाँ पर बड़ी डिस्प्ले चल रही थी, जिसमें कि पूरे हॉस्पिटल की विजिट कराई जा रही थी। वैसे तो वहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन इस डिस्प्ले के थ्रू मैं आपको अंदर, ये देखो फिर दोबारा से कैफेटेरिया दिखा रहे हैं, और ये भी दिखाएंगे कि अंदर OPD में डॉक्टर ऑपरेशन कैसे करते हैं। ये इनकी टीम है, ये अंदर पेशेंट देख रहे थे, और ये डॉक्टर अनुभव जैन थे। लैब है अंदर से, और ये पेशेंट्स, यहाँ पर MRI होती है। सब कुछ एक ही रूफ के नीचे अवेलेबल है। यह है डॉक्टर वंदना जैन, जो कि लेडी डॉक्टर हैं, अनुभव जैन जी की वाइफ।
बहुत ही सफल डॉक्टर हैं। ये अंदर ओपीडी का सीन है। ये डॉक्टर मुकेश जैन, यहाँ के सीनियर डॉक्टर। ये डॉक्टर नूतन जैन, उनकी मिसेज, और ये अनुभव जैन जी। दो हज़ार बारह में मेरे हस्बैंड की एंकल की हड्डी बिल्कुल चूरा हो गई थी और हमें ये बोला गया आप दिल्ली चले जाओ, चंडीगढ़ चले जाओ पीजीआई में, लेकिन हमने बोला नहीं, हमारे शहर में मुकेश जैन जी हैं तो हम और कहीं क्यों जाएं। इन्होंने मेरे हस्बैंड की हड्डी बिल्कुल ठीक कर दी और आज वो बहुत अच्छे से अपने आप चल पाते हैं। और बहुत ही हम्बल डॉक्टर हैं ये अनुभव जैन जी। यहाँ पर लोबी में ही कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो लोबी में ही हैं और जो बिल्कुल भी चल नहीं पाते। अभी डॉक्टर साहब ओपीडी से आए हैं तो अब हमारा नंबर आने वाला है, 60 नंबर तो है डॉक्टर हमारा। उनसे लोबी में भी मिलने आते हैं तो बस, और ये मेरी सिस्टर का बाद हमारा नंबर आ जाएगा। नंबर आने के बाद डॉक्टर ने उनको बोला कि आप थेरेपी कराएं, तो वो थेरेपी करा रही है। यहाँ पर सभी तरह की थेरेपी होती है और अलग अलग थेरेपी के अलग अलग प्राइस हैं। मेरी सिस्टर की बैक मसल में प्रॉब्लम थी L4 L5 में, तो उनकी थेरेपी 1 visit 500। पांच सेशन में थी, सभी सेशन का तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, ये लास्ट सेशन था जिसका मैंने वीडियो बनाया है। और जैसे किसी की हड्डियाँ टूट जाती हैं और उसमें प्लेट्स पड़ती हैं तो वो प्लेट भी डॉक्टर मुकेश जैन और अनुभव जैन जी इम्पोर्टेड डालते हैं, जिसका कि बाद में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मेरे हस्बैंड की एंकल में भी प्लेट पड़ी हुई है जो कि यहीं पर हुआ था उनका ऑपरेशन, और आज वो बिल्कुल ठीक है। तो ये थी मेरी आज डॉक्टर मुकेश जैन वर्धमान हॉस्पिटल की विजिट। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को बनाकर दिखाती रहूं अपने चैनल के थ्रू।
पहले डेली थी ना ये दवाइयाँ, अब अल्टरनेट है। अभी भी डेली है? और जो इसमें इंजेक्शन लगते थे हफ्ते में एक बार? ठीक। और कॉन्स्टिपेशन वाला डेली लेना है सिरप एक चम्मच? दूध के साथ 2 चम्मच तक ले सकते हैं। अच्छा, तो रात को जैसे दूध पीती है उससे पहले या बाद में? साथ में। नहीं, एक्चुअली मुझे ना ये 4 ही टैबलेट्स है, क्योंकि मेरा कल क्लियर होगा कि होगा या नहीं होगा इस बार। तो पॉसिबल है दे सकते हो? क्योंकि अगर मुझे है ना, क्योंकि मुझे आज रात को और कल सुबह खानी है, और उसके लिए जरूरत होगी तो फिर मैं ले लूँगी। रिपीट नहीं, ये कुछ नहीं, मल्टी विटामिन वगैरह कुछ नहीं है मेरे पास, में सिर्फ एक खाई है, 4 टैबलेट्स अगर पॉसिबल है। विटामिन डी के शॉट्स हफ्ते में एक बार, कॉन्स्टिपेशन एक बार, इंजेक्शन एक बार, और सिरप डेली।